तो आ गए तुम सब। तुम्हें बड़ी पंचायती है कि मेरी जिंदगी में क्या चल रहा था क्या नहीं चल रहा था। चलो कोई नहीं, आ गए ना, पूरा वीडियो देख के जाओ, मेरे भी व्यूज आएंगे। और क्या, जिन भोले मानुसों को अभी तक ये समझ नहीं आया कि आज इस वीडियो में क्या होने वाला, तो मैं उन्हें बता दूं कि ये वीडियो एक स्टोरी टाइम वीडियो है जिसमें मैं अपनी लाइफ का एक छोटा सा इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाऊंगा। तो लेट्स बिगिन। ये उस टाइम की बात है जिस टाइम में मैं फोर्थ या फिफ्थ क्लास में था, और फोर्थ और फिफ्थ क्लास में मेरी एक स्पेशल एबिलिटी थी कि मैं बहुत ज्यादा डम था, और मैं इतना डम था कि कोई भी, लिटरली कोई भी आके मुझ पे डोमिनेट कर सकता था और मैं कुछ नहीं कर पाता। सो एग्जैक्टली मैं बाहर खेल रहा था और मुझ से आके किसी ने दोस्ती की, मतलब एक बंदे ने दोस्ती की, उसने मुझसे दोस्ती की, एंड वो मुझसे दो साल मैक्सिमम 2 साल सीनियर था, 2 या 1 साल बड़ा था, एंड ही लिटरली वॉन्ट कि मैं अपने कॉलोनी में, मेरे अड़ोस पड़ोस में एक लड़की थी जिसे वो पसंद करता था, सो ही वॉन्ट कि मैं उसकी इंफॉर्मेशन निकाल के दूसरे। अब देखो, मैं उस लड़के को उसके असली नाम से नहीं बुला सकता, किसी भी कैरेक्टर को किस असली नाम से नहीं बुला सकता, तो मैं उस लड़के को नाम दूंगा फूली। फूली, अब किसी को नहीं समझ आ रहा कि फूली क्या होता है, तो मैं उसके यहाँ पे फोटो लगा दूंगा, ठीक है, एंड उस लड़की को नाम दूंगा क्रीम रोल। ओके, तो क्रीम रोल उसके अटेंडेंस में, स्कूल अटेंडेंस में नाम था क्रीम रोल, यानी स्कूल का नाम क्रीम रोल था, और उस लड़के को नाम भी यही पता था, क्रीम रोल। अब मुझे लिटरली बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट था मैं, मुझे किसी का नाम नहीं पता था, लिटरली उस लड़के का नाम पता था, मुझे नाम पता था उसका पेट नेम जो उसे घर पे बुलाते हैं, एंड उसका मतलब पेट नेम क्रीम रखते हैं, तो क्रीम मुझे नाम पता था और उसे पता था क्रीम रोल। तो हमारे बीच में ये कंफ्यूजन थी कि नाम क्या है, उसे इंफॉर्मेशन चाहिए थी क्रीम रोल की, एंड आई डोंट नो कि मेरे कॉलोनी में कोई क्रीम रोल रहती। अब धीरे धीरे जब हमारी बातचीत ज्यादा हुई तो उस फुली को लगा कि मैं बहुत ज्यादा डम हूँ एंड वो मुझसे मुझ पर आसानी से डोमिनेट कर सकता है, तो ही स्टार्टेड दैट, और उसने मुझे मतलब ऐसा टकली मारना एंड दैट ऑल कि वो कोई भी काम कराता था, एंड उसने वो स्टार्ट कर दिया। आई डोंट नो कि मैंने अपने पेरेंट्स को नहीं बताया, मुझे कोई रीज़न याद नहीं है कि मैंने उन्हें क्यों नहीं बताया, बट नहीं बताया। सो उसने बस चलता रहा, एंड ही पता नहीं उसे क्या लग रहा था कि वो सोच रहा था कि मैं उसे नहीं बता रहा हूँ ये बात कि क्रीम रोल के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन पता है, और मैं उसे नहीं बता रहा, मैं बस नाटक कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं था। मैं उसे ऑब्वियसली ये कहता था कि यार मुझे किसी को नहीं जानता कि ऐसा नाम का कोई मेरे है आस पास में, एंड दैट्स द प्रॉब्लम। वो मुझ पर बात पर गुस्सा कर देता कि भाई तू क्यों नहीं बता रहा है। एंड एक दिन घर बनाने के लिए वहाँ रेत का ढेला होता है ना, उसने मुझे वहाँ फेंक दिया। अब दो दिन तक मैं उससे दूर ही रहा, घर के अंदर बंद रहा, एंड आई डोंट वॉन्ट कि मैं उसे बाहर निकलूँ, उसे इंटरेक्ट कर सकूँ, और वो बस ये चाहता था उस टाइम कि बस किसी तरह से उसे मैं मिल जाऊँ एंड वो अपना सारा फ्रस्ट्रेशन मुझ पर निकाल सके। अब देखो वो फुली चाहता है कि मैं उसको इन्फॉर्मेशन निकाल के दूँ, एंड वो चाहता है कि मैं उसका चेला बन के रहूँ, मतलब वो मुझे फ्रस्ट्रेशन निकाल सके, मैं तो वो मुझ पर डोमिनेट कर रख सके, एंड मुझे नहीं पता कि क्रीम रोल मेरे कॉलोनी में लिटरली कौन है, क्योंकि मैं उसे क्रीम के नाम से जानता था। मेरे लिए एक एडवांटेज की बात ये थी कि उसकी स्कूल और मेरी स्कूल दोनों अलग थी। एक दिन ऐसा हुआ कि हम दोनों की जो मतलब छुट्टियाँ होती, मतलब एक समर सीजन या सीजन में हमारे टाइम टेबल चेंज होता है स्कूल का, तो उस टाइम ऐसा था कि हम दोनों की स्कूल की छुट्टी एक टाइम पे होती थी, और पता नहीं उस दिन मेरा मतलब दिन था कैसा कि उस वो मेरे सामने आ टपका, एंड मैं लिटरली ये चाहता था कि मैं इसे अवॉइड कर सकूं एंड वहां से कल्टी मार सकूं, लेकिन नहीं, उसने मुझे पकड़ लिया। अब वो मुझे परेशान कर रहा था उस टाइम एंड रोड पे एंड पार्टनर चौक पे। ये पार्टनर चौक अगर आप लोगों ने मेरे वीडियोस में नहीं देखा तो जाके देख लो, लेकिन कभी होगा तो मैं बता भी दूंगा। पार्टनर चौक हमारा वो लाइफ लास्ट क्लाइमेक्स स्पोर्ट था, एंड दैट डे मुझे पता नहीं क्यों गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा था, एंड वो मुझे टॉर्चर कर रहा था, मेरा गुस्सा बढ़ रहा था, एंड दैट द लास्ट थिंग, मेरे हाथ में एक टिफिन था,
वो टिफिन मतलब लंच बॉक्स था एंड वो हाथ में पकड़ने वाला टिफिन आता ना वो था, तो मैंने उसके सर पे वो टिफिन मार दिया। एट दैट थिंग वो अपना सर पकड़ के बैठा और मैंने, पता तुम लोगों को मैंने क्या किया, मैंने चुपचाप वहां से कल्टी मार ली, चुपचाप वहां से निकल गया। लिटरली ऐसा मैंने अपना फेस ऐसे बता मना लिया था कि वहां कुछ हुआ ही नहीं ऐसे। एंड और तुम लोग नहीं मानोगे, लिटरली उस दिन के बहुत दिनों बाद वो मुझे कभी नहीं मिला, मतलब मिला था बट उसने मुझे अवॉइड किया, मैंने उसे अवॉइड किया क्योंकि मुझे भी कोई रिलेशन भी नहीं है कि उससे फालतू में वापस से इंटरेक्ट करने में। एंड पता नहीं उसको भी मजा नहीं आ रहा था शायद, क्या हुआ वो उस दिन के बाद मुझसे डर गया, नहीं डरना तो नहीं कहूँगा कि भाई छोटा बच्चा था मैं उस टाइम, और वो अगर मैं फोर्थ क्लास में होऊंगा ना तो वो शायद सेवन्थ क्लास में होगा, सिक्स क्लास में होगा तो ऑब्वियसली वो डरा तो नहीं होगा, बदला लेना चाहता होगा बट नहीं लिया उसने, क्या हुआ उसके दिमाग में, क्या चला, आई डोंट नो। और कभी कभी जब मैं घर पे रहता था तो मुझे लगता था कि वो सामने आसपास मेरी कॉलोनी में घूम रहा है, आवाज़ आती थी उसकी, बट आई जस्ट इग्नोर दैट एंड कहानी यही खत्म होती है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, लाइक का है मैं बहुत ज़्यादा कम कर रहा हूँ क्योंकि तुम लोग लाइक का एम कंप्लीट करते नहीं, तुम लोग व्यूज़ कंप्लीट नहीं करते यार, व्यूज़ ही नहीं आते। अपने फ्रेंड्स को शेयर करो इसे, और लाइक का मेरे टाइम है 15 लाइक्स, ओके 15 लाइक है, बहुत सिंपल लाइक है एम है, बहुत सिंपल लाइक एम है, तो प्लीज़ कंप्लीट करो। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और स्टोरी कैसी लगी और मुझे उस टाइम क्या करना चाहिए था, मेरे लिए वहाँ बेटर क्या था, मेरे लिए वहाँ पे एडवांटेजेस क्या थे, कमेंट में लिख दो। एंड आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। जिन बोली मात्र को